मेरा नाम अज़हर कुरैशी है। मैं काफ़ी अरसे से तकरीबन 30 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ। पहले मुख्तलिफ़ गैलरीज में मैं सिखाता रहा, फिर मेरी तलाश थी कि मैं अपना कोई काम करूँ, अपनी कोई जगह। तो मैं सारी जगह ढूंढते ढूंढते आखिर मुझे बाज़ार में मैं आया। मैं ज़्यादा फीस वाली जगह पे बैठता था जहाँ मुझे कुछ थोड़ी पे देते थे, मगर मैंने यहाँ पे 1000 शुरू से रखी। आज 8 साल हो गए मैं 1000 रुपये फीस पे बैठा हूँ, मगर मेरा गुजारा चलता है। मुझे खुशी ये है कि जो बच्चे जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, यूनिवर्सिटी के पॉकेट मनी से वो सीख रहे हैं अपनी। जब स्टार्ट किया तो चंद स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट से स्टार्ट, 2 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, करते करते कई महीने लगे। तो फिर आज मैं, खुदा की मेहरबानी है कि मैं पूरे इस्लामाबाद या रावलपिंडी या हर जगह पे लोग मुझे जानते हैं और बच्चियां बच्चे आते हैं यहाँ पे। एक बच्ची आती है तो वालदैन दूसरी अपनी बेटी को भी भेजते हैं, तो वो अच्छा ही महसूस करते हैं तो तब भेजते हैं, सेफ महसूस करते हैं तब भेजते हैं। मेरे साथ टीचर भी हैं, वो बहुत अच्छी स्केचिंग स्टार्ट कराती हैं। 3 मंथ का कोर्स रखा हुआ है। वैसे तो एक एक साल, 2-2 साल तक भी बच्चियाँ हमारे साथ काम सीख रही हैं। तो शुरू में, स्टार्ट में मैम जो है वो सिखाती हैं, बहुत अच्छी स्केचिंग कराती हैं। उसके बाद जब आयल में आते हैं तो जो लैंडस्केप वगैरह वो कराती हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कल्चर मैं कराता हूँ। मेरा नाम शुगुप्ता है, मैं यहाँ पे आर्ट टीचर हूँ। आई वॉज फॉन्ड ऑफ लर्निंग आर्ट सिंस माई चाइल्डहुड। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ। इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं अपनी जॉब को छोड़ के यहाँ आऊँ और सीखूँ। आई वॉज़ वर्किंग इन अ कंपनी, वन ऑफ माई कोलीग टोल्ड मी अबाउट दिस कि वो बाज़ार गए और वहाँ पे उन्होंने इस तरह से एक अकेडमी देखी। वहाँ पे सर अज़हर कुरैशी साहब हैं, वो वहाँ सिखा रहे होते हैं बच्चों को। तो मुझे तो शुरू से शौक़ था, तो जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मुझे अच्छा लगा और उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम टीचिंग। इस एकेडमी का जो मेन मकसद है वो अर्निंग नहीं है, हमारा मेन पर्पस जो है वो लोगों में इस आर्ट को फैलाना है, ताकि हर तबके का बंदा हमारे पास आके इस चीज़ को सीख सके। यही वजह है कि पिछले 8-10 साल से यहाँ की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपया है। माई नेम इज़ आमिर अज़ब खान एंड आई केम बैक टू पाकिस्तान 2016 फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग हियर इन इस्लामाबाद। आई एम डूइंग माई मास्टर्स। आई चोज टू डू दिस आर्ट क्लास एक्चुअली बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स told us about the class and she showed us her paintings and she had so many good things to say about the teachers and so on her recommendation I actually came to this class and on my first day just I felt so comfortable here and ma'am and sir were so open-minded and accepting of my language barrier so they started showing me how to learn art in such a simple way even though I was a beginner. I'm actually dyslexic so So when I was first learning to read and write, they actually used pictures and drawings for me. So I didn't learn to read properly until I was 10 years old. But the way they taught me was through pictures and through images. So it's another reason why I love to draw and to paint, because it reminds me that I'm capable of doing these things. I mean, I'm doing my master's right now. And to come from failing at like every possible class to be able to get my master's, it's really amazing. And especially for kids who have these learning disabilities, it's something really important, like using your imagination in that way and creating things, it helps you learn these basic skills like reading and writing. It's actually really an amazing thing because anybody can walk into Sunday Bazaar. You don't need to pay a fee to walk into the bazaar, first of all. Unlike a gallery, sometimes you have to pay a fee to get into the gallery and then look at the art, and then pay another fee to learn how to create that art. But you can walk in for free to Sunday Bazaar, and you can see them creating this artwork in a place that's accessible to everybody in Islamabad. It doesn't matter how much money you make or don't make, it doesn't matter where you're from or what you can do, but you can just go into this place and watch them do the artwork,
And then on top of that, you just have to give 1,000 rupees to learn with them. And 1,000 rupees a month is really, it's such an amazing price. I mean, I looked at other places where I could learn, and I think they were telling me 10,000 rupees, 20,000 rupees, you know. But to be able to find like two artists who are so willing to help other people learn without taking like these grand amount of fees is just, it's really, it's inspiring. Really what Mam and Sir are doing is they're teaching us a skill that we can eventually use in the future to have our own livelihood, right? So with this minimal fee, they're giving us the opportunity to potentially use this to build a career off of. मैं खुद एक एग्जांपल हूँ. मैंने यहाँ से सीखा और आज मैं सिखा भी रही हूँ. मैं अर्न कर रही हूँ. इसी तरह मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने यहाँ से सीखा, अपनी एकेडमीज बनाई, अपनी एग्जीबिशंस करवाई, अपनी पेंटिंग्स को सेल किया. दे आर अर्निंग गुड मनी. जो भी स्टूडेंट आता है उसका एक ड्रीम होता है कि वो इस काबिल हो जाए कि उसकी पेंटिंग किसी एग्जीबिशन में डिस्प्ले हो सके. हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं. मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाए, हमारे यंग टैलेंट को इनकरेज किया जाए. जो एक डिप्रेसिव माहौल है हमारी कंट्री का, बच्चे उससे निकल कर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो देखने वालों के लिए भी एक खुशी का बायस बने और उनके अपने लिए भी. My friend and I both went, and it was something really important to us. We invited all of our close family members and friends. We told everyone, please come, because it's sort of it's a showcase of your hard work, of your energy, of your passion, and your love for something. Because you don't sit for 2 hours and work on something in so much detail for no reason, you know? It takes really a lot of passion and energy. So it's kind of just this, it's like, I don't really know how to explain it, but it's sort of, it's like the cherry on top of the cake, right? So you work so hard to bake the cake, and then you put that cherry on top and you look at it and everybody else is looking at it, and you just get so much joy out of the pleasure you're giving other people. So I just think it's really just, it's just that like star on top of the tree or a cherry on top of the cake. It's just, it's very special. लाखों रुपए की अगर दिली ख्वाहिश होती तो मेरे ख्याल में कि मैं 1500, 2000, 5000, 10000 फीस कर चुका होता. मेरे पास अगर 50 या 40 स्टूडेंट आते तो लाखों रुपए आने शुरू हो जाते. लाखों की कोई ख्वाहिश नहीं है, बस जो कुछ है खुदा की करम नवाजी है, ना ही बड़ी किसी की. इससे बड़ी क्या है कि पूरा इस्लामाबाद जानता है. मुझे बहुत शुक्र है रब्बुल इज़्ज़त का कि मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ. मुझे ये जगह अच्छी लगती है. क्या E11 में या G11 में कहीं मुझे बहुत बड़ी गैलरी मिल जाएगी तो क्या पैसे बहुत कमाऊँगा. मैं अच्छा सिखा रहा हूँ और यहीं सिखाऊँगा. मेरा नाम आशीष सिद्धू है. आई एम रावलपिंडी बेस्ड आर्टिस्ट. 98 में मैंने इस फील्ड में आया. मैं दुनिया के हर मीडियम में आर्ट से रिलेटेड जो भी मीडियम है, जो भी स्टाइल है, उसमें मैं आर्ट वर्क कर रहा हूँ. चाहे वो
रिलीफ वर्क है, पेंसिल वर्क है, पोर्ट्रेट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, 3D स्कल्पचर्स हैं, बर्न आर्ट, इवन के कैलीग्राफी, मैं 20+ पॉन्ड्स में कैलीग्राफी कर रहा हूँ। अभी इसी तरह बहुत से मैं नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, जिनमें रिसेंटली अभी मैंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर सेनेट म्यूजियम बना है, वो प्रोजेक्ट मैंने किया है। 3D स्कल्पचर्स उसमें बनाए हैं, जो हमारी काबीना थी जिन्होंने 73 का आइन बनाया, जिनमें भुट्टो हो गए और फर्स्ट चेयरमैन सेनेट हबीबुल्ला खान, पाकिस्तान का जो पहला सदर, लोगों को ये भी नहीं पता होगा कौन है, मैंने उनका 3D स्कल्पचर बनाया। जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ वो सर यूसुफ हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत मेहनत मुझ पर की। रियलिस्टिक, सुपर रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक स्टाइल्स उनसे मैं सीखा हूँ। आर्ट को पाकिस्तान में एज अ प्रोफेशन ही काउंट किया जाता। 98 में मैंने स्टार्ट लिया इस फील्ड में, मैंने फन कदा आर्ट गैलरी ज्वाइन की। उस वक्त मैं एक स्टूडेंट ही था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, घर से भी इस तरह सपोर्ट नहीं थी, तो मैंने बहुत स्ट्रगल की, और लेकिन पैशन था। बहुत टफ टाइम इसमें देखा, जिन लोगों को पता है कि यहाँ से डबल रोड से राजा बाजार तकरीबन 8-10 किलोमीटर्स हैं, मैं पैदल आया जाया करता था वहाँ से। बारिश में भी मैं रात के 12-1 बजे मैं वहाँ से पैदल आया करता था घर पे। डिसाइड भी होता था बास टाइम के वजन इसका क्या मिलना है, इसकी अर्निंग होगी नहीं होगी, कुछ नहीं था पता। लेकिन आज शुक्र है कि ट्विन सिटीज़ की मेरी ये गैलरी जो है मोस्ट पॉपुलर गैलरी है। गैलरी में क्लासेस चल रही हैं और बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हर स्टूडेंट डिफरेंट मीडियम में। हमारी कोशिश होती है कि वो आर्ट वर्क करे, आर्ट क्योंकि सभी के लिए है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना है तो आप इस फील्ड में आए, क्योंकि इट्स अ मैसेज ऑफ लव एंड पीस। सभी एज लेवल के स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उसमें छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। इसमें हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉन्ट्स में कैलीग्राफी कर रहे हैं, 3D स्कल्पचर्स कर रहे हैं, पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स, इवन चारकोल के डिफरेंट मीडियम्स में वो कर रहे हैं, पेंसिल वर्क कर रहे हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट आ रही है और वो बिल्कुल बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन उन्होंने यहीं से स्टार्ट लिया और अब बहुत अच्छा आर्ट वर्क कर रही है। इवन के अभी उनका NCA में एडमिशन हुआ है, हमें तो उसकी लैंग्वेज नहीं आती इशारों की, तो हम उसे लिख के गाइड करते हैं कि आपने अब इस कलर में आप ये टोन मैच करें, इसमें ये करें, ड्राइंग आप यहाँ से ऐसे कर लें, शेडिंग यहाँ से आपने लाइट करनी है, यहाँ से डार्क करनी है। मेरा नाम मुनज्जा है। तकरीबन 2 साल पहले मैंने इस गैलरी में दाखिला लिया और सीखने का आगाज स्केचिंग से किया। अब मैं ऑयल और कलर में भी पेंटिंग कर रही हूँ। मुख्तलिफ मौकों पर मेरे काम को बहुत सराहा गया है। मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे असातिज़ा और गैलरी का बहुत अमल दखल है। मिरेकल ऑफ क्राइस्ट मैंने पेंट किया था, ये इवन के यूरोप में अभी तक पब्लिश हो रही है मैगजीन्स में, इंडिया के न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश हुई है, ये मेरी पेंटिंग जो है। मैं हालांकि म्यूज़िक के बगैर पेंटिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने ये अपना मास्टरपीस पेंट किया तो सारी रात विदाउट म्यूज़िक मैं इतना उस पेंटिंग में इन्वॉल्व था, सुबह मुझे पता चला कि सारी रात म्यूज़िक भी ऑफ रहा है। एक होती है पेंटिंग पेंट करना, पैलेट से आपने कलर्स उठाए और कैनवस पे आपने ब्रश लगाया, कलरफुल हो गया, वो पेंटिंग बन गई। एक होता है पेंटिंग के अंदर जाके उस एनवायरनमेंट को पेंट करना। इवन बहुत टाइम पेंटिंग आपको गाइड करती है कि पेंटिंग बता रही होती है कि मुझे किस तरह पेंट करना है, कौन से कलर्स मुझ पर अप्लाई करने हैं। बनाने वाले को नहीं पता होता कि ये बनेगा क्या और कितने टाइम इस पर कितना टाइम स्पेंड होगा।
पेंटिंग कभी कंप्लीट नहीं होती। लोगों की नज़र में तो हो सकती है, लेकिन एक आर्टिस्ट की नज़र में पेंटिंग कभी कंप्लीट नहीं हुई। वो जितनी मरतबा देखेगा उसे नज़र आएगा कि इसमें भी फिनिशिंग स्ट्रोक्स रहते हैं, उस तरह से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अगर आपने ज़िंदगी में आगे जाना है तो फुल स्टॉप ना लाइफ में आने दें, आप प्रैक्टिस जारी रखें। एक आपका मोटो होना चाहिए कि आपने बस कुछ करना है ज़िंदगी में, और आर्ट तो ऐसा काम है कि आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना अंदर साफ करेंगे। ये कनेक्शन है ऊपर वाले के साथ। विदाउट कनेक्शन आर्ट नहीं होता। ये सारा इट्स ऑल अबाउट हार्ट। और आजकल जैसा देखा जाए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें माइंड इन्वॉल्व कर दिया आर्ट में, और आर्ट एक साइड पे रह गए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अंदर, जब तक हमारा बाहर नहीं आएगा तो प्रॉपर हम आर्ट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते।